हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू और चौलाई की सब्ज़ी की रेसिपी। खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है। तो ये देखिए, मैंने 500 ग्राम चौलाई ली है और इसको मैंने जो मोटी डंठल होती है उसको हटा दिया है और फिर इसको अच्छे साफ पानी से दो तीन बार वॉश कर लिया है, पानी हटा दिया है। और उसके बाद अब हम इसको महीन महीन काट लेंगे। तो सब्ज़ी की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखिए, मैंने चौलाई सारी काट ली है और ये मैंने दो आलू लिए थे, इनको भी मैंने छील के काट लिया। अब कढ़ाई चढ़ाएंगे हम गैस पे और इसमें 3 से 4 चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म होने के बाद अब हम इसमें 1 चम्मच अजवाइन डाल देंगे और ये मैंने लहसुन और मिर्च को काट के रखा है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। लहसुन और मिर्च के बाद हम इसमें 1 कटा हुआ प्याज डाल देंगे और इसको अब हम थोड़ा सा पका लेंगे, पिंक सा होने तक इसको पकाना है। इसके बाद हम इसमें हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी को थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें 2 टमाटर कटे हुए डाल देंगे और साथ में ही हम नमक डाल देंगे, जिससे कि टमाटर जल्दी से गल जाएंगे। और टमाटर को अच्छे से गलाने के बाद में अब हम इसमें आलू जो हमने काट के रखे हैं इसको डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा इसमें भून लेते हैं। आलू को मसालों के साथ में थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें अब हम चौलाई की साग जो हमने काट के रखी है इसी के ऊपर डाल देते हैं और एक प्लेट से हम इसको ढक के रख देंगे। अभी हम चलाएंगे नहीं, थोड़ा सा इसको जब ये सॉफ्ट हो जाएगा उसके बाद हम इसको खोल के चलाएंगे और बीच बीच में हम चलाते हुए आलू और सब्जी को अच्छे से पका लेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद देखिए, मैंने इसको फिर से चला दिया था और देखने में कितनी अच्छी और टेम्पटिंग सी लग रही है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी और हेल्दी है। तो ये देखिए, आलू भी सॉफ्ट हो गया है। तो ये सब्जी हमारी देखिए बनकर तैयार हो गई है। अब हम सब्जी को ढक्कन खोल के थोड़ी देर इसी तरह से ही भून लेंगे। आप भी इसे बनाइए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बगल में बेल आइकन आएगा उसे ज़रूर प्रेस कीजिए अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो ये लीजिए, हमारी सब्जी बनकर तैयार है। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है और अब हम सब्जी को सर्व कर लेते हैं। और आप इसे रोटी, पराठा, पूड़ी, दाल चावल किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।